नमस्कार, दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह पर हुए खुलासे ने पिछले 24 घंटे में हड़कंप मचा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीएसपी देवेंद्र को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन देवेंद्र के आतंकी राज अभी बाहर आने बाकी हैं, क्योंकि इस मामले में सवाल ही सवाल है। देश की सुरक्षा के लिए और आतंक से लड़ाई में ये चिंताजनक खुलासा था कि कैसे एक डीएसपी सुरक्षा बलों के सिस्टम में बैठकर आतंकियों के लिए काम कर रहा था। बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र और उसके साथ पकड़े गए आतंकी नवीद से पूछताछ चल रही है। 4 दिन से लगातार छापेमारी हो रही है, कई ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं, जिनके नाम का खुलासा बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र और आतंकी नवीद ने किया है। ये ऐसे लोग हैं जो आतंकियों को बचाने में बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र की मदद करते थे। आतंकियों के मददगार देवेंद्र के पकड़े जाने पर अब उसकी टेरर फाइल भी खुलने वाली है, जिसमें ये बड़े सवाल हैं कि देवेंद्र कब से आतंकियों की मदद कर रहा था और क्या आतंकवादियों की साजिश में वो भी शामिल रहता था। क्या उसे आतंकवादियों के प्लान पता होते थे कि कब कैसे कहां हमले करने हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह पर जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि ये विस्फोटक खुलासा था कि कश्मीर में कोई पुलिस अधिकारी अपनी ही कार से उन आतंकियों को श्रीनगर से भगाते हुए पकड़ा गया जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े आतंकी हैं। अब तक डीएसपी देवेंद्र ने कबूला है कि उसने पैसे के लिए हिजबुल के नंबर 2 आतंकी नवीद को श्रीनगर से भगाने में मदद की। आतंकी नवीद और उसके साथी रफी अहमद को श्रीनगर से जम्मू ले जाने के लिए 12 लाख रुपए की डील हुई थी। पता यह भी चला कि आतंकी नवीद और उसका एक साथी 2 दिन तक श्रीनगर में देवेंद्र के घर पर ही रुके थे, यानी डीएसपी देवेंद्र आतंकियों की आवभगत से लेकर उन्हें ठिकाना देने और उन्हें भगाने की आतंकी करतूतों में लगा था। वैसे तो पकड़े जाने पर देवेंद्र सिंह ने यही कहा कि उसने ये सब पैसे के लिए किया, क्योंकि इस वक्त उसे पैसे की बड़ी जरूरत थी। श्रीनगर में अपना बंगला बनवाने में उसने काफी खर्च कर दिया था, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो हिजबुल आतंकियों की आतंकी साजिशों में शामिल भी था, क्योंकि श्रीनगर में डीएसपी के जिस घर में हिजबुल के आतंकी रुके थे उसी इलाके में सेना का कैंट इलाका भी है। डीएसपी श्रीनगर में जो आलीशान बंगला बनवा रहा था वो बंगला 15वीं कोर के मुख्यालय के ठीक बगल में है। डीएसपी के घर और उसके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी में सुरक्षा एजेंसियों को कैश, हथियार, कई कागजात और नक्शा मिला है। नक्शा सेना की 15वीं कोर के उस मुख्यालय का है जिसके बगल में डीएसपी देवेंद्र अपना बंगला बनवा रहा था। जी के फॉलोअप में हम लोग जगह जगह पर हम लोगों ने ऑपरेशन जरूर लॉन्च करने की कोशिश करी। नवीद बाबू की जो हाइडआउट्स थी और जो उसके इनपुट्स थे उसके मुताबिक हमने 5 ऑपरेशन लॉन्च किए थे और 1-2 जगह पे हमें हाइडआउट मिले। उन हाइडआउट को हम लोगों ने स्मैश किया, तबाह किया, मगर उसके अलावा कोई टेररिस्ट उन हाइडआउट्स के अंदर नहीं मिला है। और भी लीड जो हमें मिलेंगी उसके मुताबिक काम करेंगे। उसके मुताबिक बाद हमने इनके घर की सर्च करी, घर से जो चीज़ें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल वगैरह था बाकी चीज़ें सब पकड़ी हैं। गिरफ्तारी के बाद लगातार 4 दिन से डीएसपी देवेंद्र के मामले में पूछताछ और छापेमारी चल रही है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि डीएसपी के टेरर कनेक्शन कहां कहां है, क्योंकि डीएसपी के साथ गिरफ्तार हिजबुल के दोनों आतंकियों ने ISI कनेक्शन कबूला है। आतंकी नवेद ने कबूला कि हवाला के जरिए ISI आतंकियों के लिए पैसा भेजती है। पूछताछ में आतंकियों के लिए काम करने वाले कुछ और लोगों के नाम पता चले हैं। देवेंद्र और आतंकियों ने जिन लोगों के नाम लिए उनकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। देखिए जे हम लोगों ने पहले ही सिफारिश कर दी है कि ये केस NIA को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इसमें काफी वाइडर लेवल की कुछ चीजें निकल सकती हैं जिनका कनेक्शन जो है वो आगे पीछे भी और कहीं जगह पे निकले। तो हमारी ये सिफारिश हो चुकी है कि ये केस NIA को ट्रांसफर किया जाए। जरूरत से ज्यादा स्पेकुलेशंस करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आदमी एक इंडिविजुअल अपनी उसने पोजीशन में किसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वो जरूर अपना जो इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा पाएगा, भुगतेगा, केस चलेगा और उसमें किस तरह की कोई रियायत नहीं होगी। बाकी को किस तरह का नेक्सस सामने है नहीं है, उस नेक्सस को इस तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा और उस नेक्सस में जो भी कोई सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। डीएसपी जिस तरह से आतंकियों के काम आ रहा था, जिस तरह से रात रात भर आतंकी उसके घर पर रुकते थे, जिस तरह से वो कार में बिठाकर आतंकियों को ले जा रहा था, उसमें ये हैरान करने वाली बात नहीं है।
अगर देवेंदर आतंकवादियों की साजिशों में भी शामिल रहा हो और देवेंदर के पीछे भी कोई और लगा हो, क्योंकि आतंकियों को एक डीएसपी पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि उसके घर पर रुके, उसके साथ कार में बैठकर भागने का प्लान बनाए। आतंकियों और डीएसपी का कनेक्शन एक दिन में नहीं बना होगा और इसमें डीएसपी अकेले सबकी आंख में धूल झोंक नहीं सकता। सवाल ये भी है कि जिस देवेंदर का सर्विस रिकॉर्ड, उगाही और ड्रग्स कारोबार में दागदार रहा हो, उस पर सब आंख मूंद कर क्यों बैठे रहे। आतंकियों के साथ पकड़े गए देवेंदर को श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग यूनिट जैसी अहम जगह पर पोस्टिंग कैसे मिली हुई थी, देवेंदर को प्रमोशन कैसे मिलते रहे, और अगर वो पकड़ा ना जाता तो इसी महीने के आखिर में एसपी के तौर पर भी प्रमोशन पा जाता। देवेंदर की उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या हुआ, तो पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वज़ था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है, जहाँ की एस्टवाइल स्टेट की तरफ से एक मेडल उसको मिला था, जो पुलवामा की पुलिस लाइन के अंदर जब फदाइन अटैक हुआ था उसमें उसके रोल के लिए, उसके काम के लिए। और हम उसकी भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के चलते उस मेडल को बहरहाल वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गद्दार डीएसपी देवेंद्र को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी है, लेकिन देवेंद्र को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस सहित तमाम सुरक्षा बलों के कर्ता धर्ता, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों के कर्ता धर्ता सब पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे देवेंद्र सिंह जैसे गद्दार पर पहले किसी की नजर नहीं गई। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह ने पकड़े जाने पर कबूला था कि वो पैसे के लिए आतंकवादियों की मदद कर रहा था। यह भी बताया गया कि वो श्रीनगर में जो बंगला बनवा रहा था उसमें उसने करीब 3 करोड़ रुपए लगा दिए थे और उसे पैसे की जरूरत थी। लेकिन एक डीएसपी पर अचानक कोई बड़ा आतंकवादी इतना भरोसा करने लगे कि वो उसके घर पर रुके, उसके साथ उसकी कार से भागने के लिए तैयार हो जाए, ये सब बातें इशारा करती हैं कि डीएसपी देवेंद्र का आतंकियों से गहरा रिश्ता रहा है। ऐसे रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि ये भी पता चला है कि जिन आतंकियों को श्रीनगर से निकालकर डीएसपी देवेंद्र पहले जम्मू और फिर दिल्ली लाने वाला था, हिजबुल के वो आतंकवादी कोई बड़े आतंकी हमलों का प्लान बनाकर निकले थे जिसमें उनके साथ कई और आतंकी जुड़ने वाले थे। जांच एजेंसियों को अब संदेह यह भी है कि देवेंद्र के तार खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़े हो सकते हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में सवाल ही सवाल है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि ऐसे आतंकी कनेक्शन में एक बड़ा पुलिस अधिकारी पकड़ा गया जो आतंकी कनेक्शन आतंकियों को ठिकाने देने से लेकर उन्हें पूरी प्लानिंग से भगाने तक के हैं। बड़ा सवाल ये है कि हिजबुल के जिन 2 आतंकियों को डीएसपी देवेंद्र श्रीनगर से निकालकर जम्मू ले जा रहा था वो क्या करने वाले थे। शुरुआती पूछताछ से यही सामने आया है कि डीएसपी देवेंद्र हिजबुल के आतंकियों को श्रीनगर से जम्मू और फिर वहां से दिल्ली ले जाने वाला था। सूत्रों के मुताबिक इन हिजबुल आतंकियों के टारगेट पर जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाके थे। इसी में खुलासा ये हुआ है कि हिजबुल के इन आतंकियों को दिल्ली और पंजाब में बम धमाके करने का टारगेट मिला था। दिल्ली और पंजाब में बम धमाके के लिए श्रीनगर से आ रहे इन आतंकियों के साथ कुछ और आतंकी जल्द ही जुड़ने वाले थे, लेकिन देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने वक्त रहते धर दबोचा और वो आतंकी भी पकड़े गए जिन्हें देवेंद्र श्रीनगर से निकालकर दिल्ली ले जा रहा था। जांच एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र पर इस बात का भी शक है कि उसके कश्मीरी आतंकियों के साथ साथ खालिस्तानी आतंकियों से भी कनेक्शन है। देवेंद्र के बारे में शुरुआती जांच में यह सामने आ चुका है कि वो पैसे के लिए कश्मीर में आतंकियों का मददगार बना था। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों को बचाने में जो रकम देवेंद्र को मिल रही थी वो रकम आ कहां से रही थी। देवेंद्र के साथ पकड़े गए आतंकी नवेद ने हवाला के जरिए ISI से रकम आने की बात कबूली है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि देवेंद्र के टेरर कनेक्शन का एक सिरा ISI से भी मिलता हो। इसी में खालिस्तानी आतंकियों के साथ
देवेंद्र के कनेक्शन वाली बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ब्लैक शीप्स कैन बी फाउंड एनीवेयर। तो हम लोग 19 में हमारा 2 एसपीओ वेपन लेके भाग गए थे, रैंक ज्वाइन कर गए थे। 24 घंटे के अंदर हमने उन दोनों को 2 टेरर्स के साथ मार दिया था। तो वंस समबॉडी इज डिसलॉयल टू यू, डिसलॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जो भी कार्रवाई उस वक्त जज बनती वो की जाती है। साल 19 के अंदर 2 आर्मी के जवान आर्मी को छोड़ के भाग गए थे वेपन लेके, हमने उनका भी लिहाज नहीं किया, दोनों के दोनों एक ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे। तो आर्मी के 2 जवान, पुलिस के 2 एसपीओ, अभी जो पुलिस अफसर, रैंक कोई हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हमें किसी का कोई लिहाज नहीं है। जो आदमी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है और इस तरह की हरकत करता है, किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। एनआईए की एक टीम देवेंद्र से पूछताछ के लिए कश्मीर में है, पूछताछ के लिए उसे दिल्ली भी लाया जा सकता है। देवेंद्र के आतंकी कनेक्शन की जांच सिर्फ इसी एक मामले को लेकर सीमित नहीं है, बल्कि अब पुराने मामलों को भी देखा जा रहा है कि उसमें देवेंद्र की क्या भूमिका थी। क्योंकि नवीद नाम का जो आतंकी देवेंद्र के साथ पकड़ा गया, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में ही था। नवीद ने 2017 में जम्मू कश्मीर पुलिस छोड़ दी और वो हिजबुल का आतंकी बन गया था। इसके बाद नवीद ने कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बाहरी लोगों की हत्या करने के मामले शामिल हैं, जिसमें 11 ट्रक ड्राइवर और कारोबारी, कुलगाम में बंगाल के 5 मजदूरों की हत्या कर दी थी। नवीद हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी था और देवेंद्र के साथ उसका कनेक्शन कैसा था, ये बात अपने घर पर रखना, खाना ठिकाना देना और अपनी कार में बिठाकर उसे श्रीनगर से निकालने के प्लान से ही समझ में आता है। वैसे ऐसे आतंकियों के साथ देवेंद्र का कनेक्शन नया नहीं है। देवेंद्र पर आरोप ये भी है कि उसने संसद पर हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की भी मदद की थी। संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु के वकील ने एक चिट्ठी में खुलासा किया था कि मोहम्मद नाम के हमलावर की मदद देवेंद्र ने की थी। देवेंद्र को नहीं, जिस टाइम अफजल साहब को पकड़ा था ना 2000 में, उस टाइम विनय गुप्ता था एक, तो उससे बात हुई थी सोपोर में, उसने उस कैंप में अफजल को लाया था पहली बार मुलाकात के लिए। उन्होंने फोन किया कि पैसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो, तो पैसे जमा किए मैंने, मेरा जो मम्मी ने सोना मतलब दिया था किया 1 लाख जमा, तो दे दिया। देवेंद्र के आतंकी कनेक्शन के सामने आने के बाद से कई नए सवाल संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले तक उठे हैं, जिनको लेकर राजनीति भी पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर आसीन है, जिसे इस देश के सुरक्षा मामलों की जानकारी है, कहीं देवेंद्र सिंह का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं? अगर ऐसा है तो देश की सुरक्षा को और खतरा भी हो सकता है। इसलिए देश के गृह मंत्री को स्वयं इस पूरे मामले की तहकीकात करके देश को वक्तव्य देना चाहिए। यह षड्यंत्र है क्या? क्या यह देवेंद्र सिंह अकेले ही काम कर रहा था, या वो एक छोटा सा मोहरा है और यह षड्यंत्र बहुत बड़ा है? देखिए, पुलवामा पर सवाल उठाना पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत करने जैसा है। पाकिस्तान जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी पुलवामा पर करता रहा है, और कांग्रेस के नेता जिस तरह की जबान आज बोल रहे हैं, क्या कारण है कि जो पाकिस्तान के नेताओं की जबान होती है वही जबान कांग्रेस के नेताओं की क्यों होती है? कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मदद क्यों करते हैं, ये देश कांग्रेस से जानना चाहता है। इस राजनीति के बीच देवेंद्र सिंह को लेकर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब जांच एजेंसियों को देने हैं। देवेंद्र सिंह के मामले में बड़ी बात यह भी है कि इससे कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों के कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि हाल के कई सालों में आईएसआई के इशारे पर पंजाब में खालिस्तानी आतंकी गतिविधि फुल एक्टिव हुई है, जिसे खुफिया एजेंसियां और पंजाब पुलिस ने वक्त रहते पकड़ा भी है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। खबरदार में अब हम भारतीय सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और कुर्बानियों का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज 72वां सेना दिवस है। इस मौके पर आज सुबह देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दिल्ली कैंट के जनरल करियप्पा परेड ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी सलामी पहली बार सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ली।
इस मौके पर सेना प्रमुख नरवणे ने शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल से नवाजा। इसके बाद भारतीय सेना की 18 टुकड़ियों ने दर्शकों के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस परेड में सेना ने अपनी ताकत भी दिखाई। सेना दिवस की परेड में पहली बार धनुष गन का प्रदर्शन किया गया। आज आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने सेना को बधाई संदेश तो दिया, लेकिन लगे हाथ पाकिस्तान को भी समझा दिया कि उसकी तरफ से जिस भाषा में संदेशे आएंगे उसी भाषा में उसे जवाबी संदेशे भेजे जाएंगे, वो भी बेरोक टोक। आर्मी चीफ के इस संदेश को सीरियसली लेना पाकिस्तान के अपने हित में है। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। हमारी नज़र भविष्य में होने वाली युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने के दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेना का पर्सपेक्टिव प्लान्स के अनुसार वेपन्स, इक्विपमेंट और गोला बारूद की फास्ट ट्रैक खरीदे से हमारी क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है। 2019 में जो नए वेपन सिस्टम सेना में दाखिल किए गए उनमें से है असॉल्ट राइफल्स 6R, स्नाइपर राइफल्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, 155mm धनुष आर्टिलरी गन और K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल गन और लाइट स्ट्राइक व्हीकल। इस साल भी कुछ ऐसे वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट जो उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें AK-203 राइफल्स, शारंग गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स शामिल है। आप निश्चित रहें कि सरकार आपकी जंगी जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगी। भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट डोमेन्स में अपनी टेक्निकल क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस तरह सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एक बार फिर पाकिस्तान के इरादों पर सख्त संदेशों की बौछार करके सेना दिवस मनाया। अब ये पाकिस्तान पर है कि वो भारतीय सेना के संदेश को सीरियसली लेता है या हमेशा की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको भारतीय सेना दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में बताना भूल गए, तो ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि पहले पाकिस्तान को संदेश देना जरूरी था। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय सेना इस दिवस को क्यों मनाती है, क्यों आर्मी डे मनाया जाता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को सेना दिवस घोषित किया गया। 1947 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले KM करियप्पा 15 जनवरी 1949 को आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे KM करियप्पा ने सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी करियर की शुरुआत की थी। सैम मानेकशॉ के बाद KM करियप्पा दूसरे अधिकारी हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई थी। करियप्पा
1953 में रिटायर हुए थे और 1993 में 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को भारतीय सेना का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आज सेना दिवस के मौके पर उनको श्रद्धांजलि देना देश का कर्तव्य है। हम आपको उनके 30 साल पुराने इंटरव्यू के कुछ अंश सुनाना चाहते हैं। यह आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख का दुर्लभ इंटरव्यू है जो उन्होंने दूरदर्शन को दिया था। You were the first Indian to command the entire army of India. Yes, that's right. First Indian in the history of our country to command the entire army in India. And there was usual Pinnipeg, Rajput Army, Jat Army, Sikh Army, Portuguese Army, and so on and so forth. Little penny packets, but this is the first time ever the whole Indian Army under my command. I've heard that you've done a lot for Indo-Pakistan relations. Yes, quite a lot I've done, my best, and I've been there 5 or 6 times on what I used to call a self-appointed one-man goodwill mission. About your relationship with Mahatma Gandhi, what I heard was that you were against non-violence, is that right? No. Let's not concentrate on non-violence alone. There's a non-violence, at the same time, be prepared. We never can tell what might happen. Non-violence, I'm all for that. I agree, I'm for it. But I tell you, one thing for non-violent soldiers, we don't want wars because we know after futility of wars. So, but you know, we're prepared to fight. So non-violence are very well, but at the same time, be prepared to fight. Tell the Jawans of today a message which would inspire them in some way. I may just tell you, जो वहाँ तुम्हारा भी सत्य आज़ाद रहने में तुम तुम्हारा पसीना दिया तुम्हारा खून दिया तुम जान भी दिया आज़ादी कायम रखो तब गुलाम जीवन नहीं मांग जो वहाँ तुम्हारा हाथ में हिंदुस्तान बचाओ। फील्ड मार्शल करियप्पा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, वो ये कि इनके बेटे जो कि फाइटर पायलट बने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक उड़ते हुए उनके विमान को मार गिराया गया था, उन्हें युद्ध बंदी बनाया गया था। पाकिस्तान ने जैसे ही उन्हें पहचाना उन्होंने भारत से संपर्क किया, कहा फील्ड मार्शल करियप्पा की अपने बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा का कहना था कि पूरे हिंदुस्तान का हर सैनिक मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मत आजाद करो, बाकी सबको आजाद करोगे उसके साथ ही आजाद करना। इनके ये जो संदेश हैं इसका पालन करते हुए भारतीय सेना ने हमेशा देश की आन बान शान पर कभी भी आंच नहीं आने दी और जब भी जरूरत पड़ी तब अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सरहद और सम्मान की रक्षा की। सेना दिवस हर भारतीय को अपनी सेना के जज्बे और शौर्य को सम्मान देने का मौका देता है और इस मौके पर हम आपको भारतीय सेना के शौर्य का एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं जिसका प्रदर्शन सेना के जांबाजों ने सेना प्रमुख जनरल नरवणे की मौजूदगी में किया और इसका चश्मदीद गवाह बना आज तक। आप भी भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन देखिए, इसे देखना भी एक तरह से भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के बराबर है। सेना दिवस परेड समारोह फर्स्ट डिटैचमेंट ऑफ द आकाश डिफेंस सिस्टम कमांडेड बाय मेजर अंकित पाटिल ऑफ 128 एयर डिफेंस रेजिमेंट। Next, the transportable satellite system, commanded by Major Sheena Nair of 21 Signal Group. भारतीय सेना को लंबे समय से वो फोर्स तोप की जगह एक स्वदेशी तोप की दरकार थी, उस तोप की दरकार को पूरा किया है K9 वज्र और धनुष तोप ने और इस वक्त हम देख सकते हैं स्वदेशी यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बनाई गई ये धनुष तोप जो कि आने वाले समय में अरुणाचल से लेकर लेह की ऊंची पहाड़ियों में 45 कैलिबर की 155 मिलीमीटर की ये जो धनुष तोप है ये सेना की जरूरतों को पूरा करेगी। ध्वस्त हुआ शत्रु का कम्युनिकेशन सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर अगर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना हो उसको कैसे दिया जाएगा इसका नजारा आर्मी डे के मौके पर सेना के स्पेशल फोर्स की टुकड़ियां दिखा रही हैं।
ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए, स्लीदरिंग के जरिए स्पेशल फोर्स के जवान दुश्मन के क्षेत्र में उतरे हैं, जो कमांडो हैं वो उतरे हैं और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। It has hit the enemy locations. और ये आखिरी प्रहार शत्रु के ऊपर। इस बार सेना दिवस परेड एक और मायने में बहुत खास रही। 72 साल में पहली बार किसी महिला अधिकारी ने सेना दिवस परेड को लीड किया है। इन महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल, जो सेना के सिग्नल कोर में तैनात है। कैप्टन तानिया शेरगिल मार्च 2017 में सेना में शामिल हुई थी। कैप्टन शेरगिल के बारे में एक खास बात यह भी है कि वो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो सेना में रहकर देश की सेवा कर रही है। उनके पिता, दादा, परदादा ने भी सेना में अपनी सेवाएं दी। सेना दिवस परेड को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने के बाद अब कैप्टन तानिया शेरगिल दूसरी ऐसी महिला अधिकारी भी बनेंगी जो इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लीड करेंगी। इससे पहले पिछले ही साल कैप्टन भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस पर परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। सेना दिवस परेड को लीड करने के बाद कैप्टन तानिया शेरगिल से आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने खास बातचीत की। आदर्श वाक्य, तीव्र चौकस। हर बार की तरह आर्मी डे परेड में कुछ खास होता है। इस बार की खास बात है कि महिला अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल जो कि एडजुटेंट के तौर पर परेड में शामिल हैं, आपको ये मौका मिला है। क्या सोचती हैं आप, पहली बार एक महिला अधिकारी को आर्मी परेड में जो मौका मिला है? You feel very happy for this opportunity. You give your best and when you march on the drill ground, that is all that matters. कैसे सिलेक्शन हुआ, कब आपने आर्मी ज्वाइन की और क्या आपने सोचा था कि आप आर्मी में जाएंगे, इस तरह से परेड का हिस्सा बनेंगे? Ever since I was a little girl, I've always wanted to join Forge. So I got commissioned into the Corps of Signals on 11th March 2017. And regarding the Army Day Parade selection, all officers are selected in their respective regimental centers and then they are sent over here to lead their respective contingents on Army Day Parade as well as Republic Day Parade. हमें पता चला कि आप